हेलो दोस्तों, मैं सुनील और आज आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ ऑल न्यू ट्राइबर का डिलीवरी का वीडियो। तो काफ़ी बेहतरीन है अपने सेगमेंट की ऑल न्यू ट्राइबर, तो ऐसी कुछ आपको इसकी मिल जाती है फ्रंट प्रोफाइल। तो अभी सब लोग बैठ रहे हैं, बैठ के फिर निकल ले घर की तरफ। एंड सेवन सीटर में काफ़ी बेहतरीन आपको कार मिल जाती है बिकॉज जिस प्राइस रेंज में आता है इसका बेस वेरियंट 5,20,000 से स्टार्ट होता है, उसमें आपको और कोई कार नहीं मिलेगी सेवन सीटर में। बेहतरीन आपको इसका माइलेज मिल जाता है समथिंग 18 से 20 का। एंड आपको इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में अवेलेबल हो जाती है ऑल न्यू रेनो ट्राइबर। आपको 5 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे एंड 4 वेरियंट्स में अवेलेबल हो जाती है। एंड ये आप देख रहे हैं सबसे टॉप एड वेरियंट RXZ एंड काफ़ी बेहतरीन है। आपको अच्छा खासा इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है एंड साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं। तो अभी गाड़ी बाहर निकल रही है, उसके बाद निकल रहे हैं घर की ओर एंड फिर इसके बाद हम लोग कवर करते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ है पूरा। मैं आपको इंटीरियर एक्सटीरियर एंड वॉल अराउंड अभी दिखाता हूँ इसका। तो अभी आप इसकी देखिए साइड प्रोफाइल। आपको बॉडी कलर में इसके डोर हैंडल्स ऑफर किए जाते हैं। बात कर लेते अगर इसके कॉम्पिटिटर की तो मारुति सुजुकी की आर्टिगा एंड आपको डैटसन की गो प्लस इसकी कॉम्पिटिटर बन जाती है इंडियन मार्केट्स में। तो फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेनो का बड़ा सा लोगो मिल जाता है, क्रोम फिनिश में इसकी ग्रिल मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं विथ टर्न इंडिकेटर। एंड नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको LED DRLs मिल जाते हैं विथ क्रोम फिनिशिंग के साथ। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं स्किड प्लेट आपको मिल जाती है सिल्वर फिनिश में, जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है देखने में। एंड साइड में देखेंगे तो आपको 15 इंचेस के लुक लाइक्स एलॉयस मिल जाते हैं, बट स्टील रिम में 100 पे आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको बॉडी कलर में ORVM ऑफर किया जाता है इसमें। एंड यहाँ पे क्लैडिंग देख सकते हैं आपको ब्लैक कलर की मिल जाती है। तो अंदर का कुछ इस तरह आपको इंटीरियर दिखेगा, सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाता है इसके इंटीरियर में। एंड इसमें आपको 999 cc का 3 सिलेंडर आपको पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है। तो ऐसी कुछ आपको मिड वाली इसकी रो दिखेगी एंड 7 सीटर काफ़ी बेहतरीन अपने सेगमेंट की कार है 7 सीटर में, बिकॉज इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इसकी यूनिट सेल हो रही है। पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको एंड इसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी ऑफर किया जाता है। ये RXZ की डोर पे आप बैजिंग देख सकते हैं, ऊपर रूफ रेल आपको ऑफर की जाती है टॉप वेरिएंट में। तो ऐसी कुछ आपको रूफ रेल मिल जाती है ब्लैक फिनिश में। एंड रियर पोर्शन पे आते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ऐसी कुछ आपको इसकी मिल जाती है बैक प्रोफाइल, तो जिसमें आपको ऐसी कुछ टेल लाइट ऑफर की जाती है, वाइट टेल लाइट आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हाई माउंट स्टॉप लाइट, वॉशर मिल जाता है। नीचे आएंगे तो वाइपर, डिफॉगर सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें। यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है आपको एंड यहाँ पे आपको एनर्जी की बैचिंग मिल जाएगी, इधर आपको रेनॉल्ट की बैचिंग मिल जाती है। नीचे देखेंगे तो आपको सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट भी मिल जाती है एंड ऐसे कुछ ड्रम बिल मिल जाता है। पीछे वाले 40 लीटर आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें ऑफर की जाती है। बॉडी कलर में आपको इसके डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका इंटीरियर क्या क्या दिया हुआ है। तो देख सकते हैं डोर्स पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल, स्पीकर, बॉटल होल्डर एंड डोर ओपनर मिल जाता है आपको सिल्वर फिनिश में। फैब्रिक की सीट ऑफर की जाती है आपको एंड ऐसा कुछ में दिखेगा इसका अंदर का इंटीरियर। तो बैठ के देखते हैं और क्या क्या है इसमें। ऐसा कुछ आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, बीच में वाइड स्क्रीन मिल जाती है, काफ़ी सारी चेक लाइट्स आपको मिल जाएंगी एंड ये सेंटर में आपको मिल जाता है 8 इंचेस का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम। ऊपर एसी वेंट्स के डिज़ाइन देख सकते हैं आप एंड ये लेफ्ट वाला एसी वेंट्स। आपको फ्रंट में 2 एयरबैग ऑफर किए जाते हैं, 8 इंचेस का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम। नीचे आपको हैजार्ड लाइट, लॉक ऑन लॉक एंड डिफॉगर का ऑप्शन मिल जाते हैं स्विचेस। यहाँ पर आपको ये AC के कंट्रोल्स मिल जाएंगे एंड ये आप स्टार्ट स्टॉप बटन देख सकते हैं। 5-स्पीड मैनुअल गेयर ट्रांसमिशन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। स्पेस मिल जाता है, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे हैंड ब्रेक देख सकते हैं, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं एंड ये आपको ORVM के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ये आप इसका ग्लव बॉक्स देख सकते हैं। ऐसी कुछ साइड वाली डोर आपको ऑफर की जाती है इसमें। पावर विंडो का कंट्रोल, स्पीकर, बॉटल होल्डर मिल जाएगा। ऊपर आपको डे नाइट IRVM मिल जाता है। यहाँ पर रीडिंग लाइट मिल जाती है एंड इधर आपको सनवाइजर में वैनिटी मिरर मिल जाता है एंड ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलता है वैनिटी मिरर। पीछे देखेंगे तो कुछ इस तरह आपको कैबिन दिखेगा, 7 सीटर में आपको अवेलेबल हो जाती है ऑल न्यू रेनो ट्राइबर। एंड बूट स्पेस की बात करें तो 84 लीटर का आपको बूट स्पेस में मिल जाता है एंड 182 NM का आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसमें ऑफर किया जाता है।
तो ऐसा कुछ था इंटीरियर। अब चलते हैं सेकंड वाली रूम में, देखते हैं क्या क्या दिया हो, कैसा क्या कंफर्ट है। एंड बात कर ले अगर इस वेरिएंट की प्राइस की, तो आपको 7,05,000 एक शोरूम पड़ जाता है एंड 7,52,000 ऑन रूट पड़ जाएगा आपको लखनऊ में। एंड यहाँ पे RXZ की बैचिंग देख सकते हो जो कि टॉप वेरिएंट है। एंड ऐसी कुछ आपको डोर मिल जाती है जिसमें पावर विंडो का कंट्रोल, नीचे स्पीकर बॉटल होल्डर मिल जाता है। तो ऐसा कुछ दिखेगा पीछे से आपको पूरा इंटीरियर एंड डैशबोर्ड इसका। एंड स्पेशल थैंक्स टू रेनॉल्ट आलमबाग लखनऊ जिन्होंने कवर करने का मौका दिया। एंड सारी डिटेल इनकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने ड्राइवर का पूरा डिलीवरी वीडियो कवर किया एंड इंटीरियर एक्सटीरियर भी वॉल अराउंड भी आपको दिखाया। इसका प्रॉपर वीडियो जो टॉप वेरिएंट एंड बेस वेरिएंट का मैं बाद में डालूंगा। तो अब बात कर ले अगर इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको ABS विद EBD मिल जाता है, डुअल एयरबैग मिल जाएगा, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, इंजन इम्बलाइजर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा, जैसे काफ़ी सारे आपको और फीचर्स भी मिल जाते हैं इसमें। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।